हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपाली गोयल। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम सब्जेक्ट साइंस है, जो टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8th एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके हमने जो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसके हमने पॉइंट डिस्कस किए थे। दो पॉइंट्स तो हमने कल रीड कर लिए थे। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल टू फॉर्म न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड अ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं कि जो फार्मर हैं वो अपनी सॉइल में ये ऐड करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर, ताकि जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं उनको अच्छी ग्रोथ और हेल्दी हो सके वो। सो सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप प्लांट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। क्या होता है कि जो सॉइल है, सॉइल हमारी क्रॉप्स को प्रॉपर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, और ये जो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कई बार क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो लगातार फसलें लगाते रहते हैं, मीन्स के अनकल्टिवेटेड फील्ड नहीं रहती, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम बार बार लगातार क्रॉप्स लगाते रहेंगे तो उसको एक टाइम के लिए भी खाली टाइम नहीं मिलेगा, जिसकी अनकल्टिवेटेड मीन्स फील्ड नहीं रहेगा, तो जिसकी वजह से क्या है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स सॉइल को प्रोवाइड करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं उस सॉइल में मैन्योर्स ऐड कर देते हैं, ताकि जो हमारी सॉइल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके और सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्रॉप प्लांट्स को मिल सके। इसलिए जो फार्मर्स हैं वो मैन्योर ऐड करते हैं। इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। और अगर हम इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग उसमें डालते हैं खेतों में, तो वो प्लांट्स को तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स हैं वो वीक रह जाते हैं। ओके, सो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्टेज। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेज एंड अलाउ इट टू डिकम्पोजिस। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। क्या होता है कि मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मींस कि ये हमारे पास एनिमल्स और जो हमारे पास मरे हुए जानवर या प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, उनसे ये मैन्योर बनता है। तो फार्मर क्या करता है, एक ओपन प्लेस में एक मतलब खड्डे में इनको डाल देता है डिकम्पोजिशन के लिए, और कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो इनको डिकम्पोज कर देते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, जिससे वो मैन्योर बन जाती है। और मैन्योर को फिर फार्मर्स का फील्ड में डाल देते हैं, और फील्ड में से उस वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, और सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स आगे प्लांट्स को मिल जाते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, केमिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं। कहने का मतलब, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज और ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। सम एग्जांपल्स फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये सारे क्या है हमारे पास एग्जांपल्स है फर्टिलाइजर्स की। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज। अगर जो फार्मर्स होते हैं उनको वीट, पैडी और मेज़ में वो फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो उनको उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड मिलती है, इनकी ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस होती है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डाल देंगे तो हमारी सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी। सो फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अगर जैसे हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो पानी में मिल जाए, तो पानी भी पोल्यूटेड हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो हमारे फिशेज है, जो वाटर में रहने वाले वाटर बॉडीज हैं, उनके ऊपर भी बैड इफेक्ट्स पड़ता है। सो देयरफॉर इन ऑर्डर ऑफ मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। सो इसलिए जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कम से कम यूज़ करने चाहिए फील्ड में, हमें ऑर्गेनिक मैन्योर ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, और थोड़े टाइम के लिए अपनी फील्ड को अनकल्टिवेटेड भी रखना चाहिए, ताकि जो हमारी सॉइल है वो प्रॉपर फिर रिच इन न्यूट्रिएंट्स हो जाए।
द यूजेस ऑफ मेन्योर इम्प्रूव्स सॉयल टेक्सचर्स एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इट रिप्लेनिश द सॉयल विद न्यूट्रिएंट्स. जो मेन्योर्स होते हैं वो हमारे वाटर वाटर को एब्जॉर्ब करने की और कैपेसिटी को भी मेंटेन करते हैं और जो सॉयल की सॉयल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी प्रॉपर उनको मिलते रहते हैं अगर हम मेन्योर्स यूज़ करते हैं. अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉयल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन. एक हमारे पास ये भी मेथड है कि जो हमारी सॉयल है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें. हमारे पास एक और मेथड है क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि एक क्रॉप के बाद फिर दूसरी क्रॉप लगा लें अगर लगाते रहते हैं और थोड़ा अनकल्टिवेटेड फील्ड भी छोड़ दें. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली. अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन. दिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉयल विद नाइट्रोजन. फार्मर्स आर बींग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. क्या होता था जो नॉर्थन इंडिया में जो पीपल थे वो पहले लेग्यूम्स एंड फिर उसके बाद वीट्स मीन्स जैसे दाल वगैरह को वो ग्रो करते थे फिर उसके बाद वो वीट को करते थे जिससे क्या हो जाता था इससे हमारी जो सॉइल है उसको नाइट्रोजन ज़्यादा मिल जाती थी क्योंकि जो जो दाल वगैरह होती है उनमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है सो हमारी सॉइल को नाइट्रोजन मिलती रहती थी प्रॉपर. सो अब फार्मर मोस्टली यही वाला प्रोसेस यूज़ करने लग गए हैं. सो इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न्ड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया. दिस इज प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. हम लास्ट आपने चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि जो राइजोबियम होता है कि ये बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है दे. और ये हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में भी. सो ये हमारे पास डिफरेंस है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स में. फर्टिलाइजर्स का फर्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजर्स इज़ द मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये मैन मेड होते हैं और जो मैन्योर्स होते हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं और ये डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट्स रेजिड्यूज से प्रोवाइड होते बनते हैं. फर्टिलाइजर्स इज जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होते हैं और जो मैन्योर्स होते हैं वो फील्ड में प्रिपेयर्ड होते हैं. फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते सॉइल को बट जो मैन्योर्स होते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को. फोर्थ इज फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें ये वाले सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट मैन्योर्स इज रिलेटिवली रिच लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स बट उनमें ये चीज़ें कम होती हैं. सो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स क्या हैं. द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइजर्स. दिस इज़ बिकॉज जो हमारे पास मैन्योर्स हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद माने जाते हैं. क्यों. फर्स्ट पॉइंट इज़ इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टू द सॉइल. एक तो ये वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब होल्ड करने में हेल्प करते हैं. सेकेंड इज इट मेक्स द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज द गैसेज बिकम ईजी. उसमें मतलब होल्स की टाइप उनको स्पेस मिल जाती है जिनके थ्रू गैसेज में एक्सचेंजेस होती हैं प्लांट्स में. और नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. और जैसे मतलब ये जो हमारे क्रॉप प्लांट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो वाले प्लांट्स माइक्रोब्स को भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल. और ये जो हमारे पास सॉइल होती है उसका टेक्सचर को भी इंक्रीज़ करने में इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स और उनके डिफरेंस भी हमने इसमें डिस्कस किए हैं. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए और मेरी ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मेरा बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए. थैंक यू फ्रेंड्स.